राज, तो हम लोग नैनीताल नहीं रुके थे कल, और रात में ही हम लोग चले आए थे कैंप करने। और कैंप में, कैंप से ये बाहर, कैंप के बाहर का ही नज़ारा है, और आपको कैंप दिखा दें, बहुत मैसी सा हो रखा है, बट दिखाते हैं आपको कैंप। ये कैंप है छोटा सा, और इसके पीछे जस्ट अटैच ही वाशरूम है इसका। और ये कैंप का देखिए, कैंप से ये जो व्यू है आपका, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत व्यू है। और कल रात में हम लोग यहीं रुक गए थे, और आज का देखते हैं कहाँ जाना है। हाय गाइस, तो हम लोग एक्टिविटी करने के बाद मैगी पॉइंट पे आए हैं, और मैगी खान पहाड़ पे आए हैं तो मैगी खाना बहुत ही ज़रूरी है, ये सबको पता है। तो हम लोग मैगी खा रहे हैं, ये पॉइंट ही बहुत खूबसूरत है। जस्ट इस मैगी पॉइंट के नीचे ही हम लोग का कैंप था, तो हम लोग ऊपर आके मैगी खा रहे हैं, और खूबसूरत व्यू यहाँ से हम लोग को मिल रहा है, जो आपको भी हम लोग दिखा रहे हैं। और फिर यहाँ से ये जो हिडन वैली है, यहाँ से एक ट्रैक है हम लोग का, जो झील एक है, मतलब झरना ही बोल सकते हैं उसे, बहुत अच्छा है, बहुत लोगों ने बताया है, तो फर्स्ट टाइम है, तो हम लोग जाएंगे अभी वहाँ पे और मैगी खा के फिर हम लोग निकलेंगे ट्रैक के लिए। और तब तक आप लोग भी देखिए नज़ारा। हाय गाइस, तो हम लोग नैनीताल कल आ ही गए थे, आप लोग को पता, हम लोग कैंपिंग किए, अब कैंप से निकल के हम लोग ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं जहाँ वाटरफॉल है। अब देखते हैं वो कैसा है, अब उसका रास्ता उन्होंने बताया कि काफ़ी डेंजरस है, अब आके देखते हैं, आपको भी दिखाएंगे आगे। अब ये रास्ता है, ऐसे चलेंगे हम लोग और आपको भी दिखाएंगे। हाय गाइस, तो ये हैं ट्रैक करके आए हमारे साथ अभी, इनकी आप चाल से इनको पता, आपको पता चल रहा होगा कि कितनी मुश्किल से ये आए हैं, और इनको चोट भी लग गई है। लग गया है वाटरफॉल में नहाते हुए, उस समय मेरे पैर में बहुत तेजी से चोट लगा, काफ़ी ब्लड निकल गया है, जिसकी वजह से पैर भी नहीं रखा जा रहा है,
और दर्द तो बहुत बे इंतहा दर्द है, लेकिन एक सीख मिली हम लोग को नीचे जाने से ये कि अगर कहीं भी आप जा रहे हैं तो अपने साथ मेडिकल किट जरूर लेके जाइए, क्योंकि कहीं भी कभी भी इमरजेंसी आ सकती है, जो कि हम लोग ने गलती किया, कुछ भी हम लोग के पास था नहीं, चोट के ऊपर से शूज़ पहनना पड़ा, अब दर्द से बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसी तरीके से गाड़ी के पास पहुंच गया है। चलिए अब ये अपना स्लीपर पहनेंगे, उसके बाद फिर आगे निकलेंगे। गाइस, तो आपने देखा ही है कि हम लोग नैनीताल पहुंच गए हैं और मॉर्निंग की चाय भी हम लोग पी ली है। अब देखिए नैना लीक जो है ये हम लोग एकदम साइड में आए हैं जो मंदिर के पास है, और यहाँ पे बहुत कम लोग आते हैं इस पॉइंट पे, और आप देखिए ये नज़ारा देखिए यहाँ का बहुत ही खूबसूरत है। आप देखिए यहाँ पे आप आके बोटिंग भी कर सकते हैं, पैडल वाली ले सकते हैं, आपको अगर चाहिए जो नाव चलाए खुद वो भी आपको मिल जाएगा, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। और ये यहाँ पे मंदिर है नैना लेक, नैना जी को वो सामने आपको दिख रहा होगा, और बाकी गुरुद्वारा भी यहीं पे बगल में, बाकी और आपको दिखाते हैं भी आगे क्या है।